गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन में हूं नताशा। बात करेंगे यहां पे पारस ठकराल के बारे में। आखिरकार पारस ठकराल ने अपनी प्यारी प्यारी जनता को इतना तगड़े वाला झूठ क्यों बोला, क्यों बोला झूठ, उसी के बारे में ये वीडियो है। आखिर कौन है वैशाली? क्या सच में पारस की शादी वैशाली नाम की लड़की से हो रही है या किसी टी नाम की लड़की से हो रही है? क्या ये वैशाली वही है जिसकी वजह से पारस और स्नेहा का तलाक हुआ था? सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। और पारस ने कितना तगड़ा झूठ बोला है अपनी प्यारी प्यारी पब्लिक से। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि भाई इन ब्लॉगर का कभी भी यकीन ना करो। अगर ये करम तवे में बैठ के पॉपकॉर्न की तरह उछलते हुए भी ये कहे ना कि आप हमारी फैमिली हो, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते, छिपा नहीं सकते, तो कभी भी विश्वास मत करना। हाँ, इतना हो सकता है कि भाई आगे जाके पारस ठकराल अपनी झूठ को छिपाने के लिए ये कह सकते हैं कि देखिए मेरी वाइफ का नाम तो ये है, लेकिन सच्चाई जो है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल पारस और स्नेहा की लव मैरिज थी, सभी को पता है, लेकिन लव मैरिज के कुछ टाइम बाद इनको बेटा हो गया। लगभग 7-8 महीने बाद में लोगों ने कहा इतनी जल्दी कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा प्री नेचुरल बेबी है। उसके बाद में जो भी चीज़ें हुई, इनका सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से तलाक की बात आई। पारस ने स्नेहा पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए और स्नेहा ने भी पारस पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए। इन इल्ज़ामों के बीच में एक ऑडियो लीक हुई जो कि थी पारस और एक लड़के की। वो लड़का था एक वैशाली नाम की लड़की का बॉयफ्रेंड। उस लड़के ने पारस पर ब्लेम लगाया था कि तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में था, तेरी वजह से मेरा जो घर है वो टूटा। और पारस भी यही कह रहा था कि तूने ये सब बातें स्नेहा को क्यों बताई, वो मेरे पे भड़क रही है, मेरे से तलाक मांग रही है, मैं हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, वो नहीं मान रही है। लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर चली और इससे यही पता चला कि पारस जो है वो स्नेहा को चीट कर रहा था, जिसकी वजह से स्नेहा पारस को तलाक देना चाहती थी। अब पारस ने भी स्नेहा पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उनके कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आए। कुछ जो है चीज़ें सामने आई थी, बट इतना नहीं आई थी। लेकिन हुआ ये कि फाइनली तलाक हो गया, और तलाक के बाद स्नेहा ने अपनी लाइफ को अदर तरीके से शुरू किया और पारस ने थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद में अदर तरीके से शुरू किया। पारस ने जब अपनी ब्लॉगिंग में दोबारा एंट्री की तो वो अपने बेटे के साथ में की, बेटे के ब्लॉगिंग बनाता था, सब कुछ था। लेकिन अचानक से पारस ने अपनी शादी का अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं शादी कर रहा हूँ। लड़की वाले आए, वो भी दिखाया, सब कुछ दिखाया, मतलब एक एक चीज़ें का कॉन्टेंट बाकायदा छापा जा रहा है। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी पर्सनल चीज़ है। इस पर हम स्नेहा ने भी रिएक्ट किया था, लेकिन फिर उन्होंने अपनी वो वीडियो हटा दी। लेकिन जो भी चीज़ें हैं स्नेहा की वीडियोस में, उनके इंस्टाग्राम पर, ये चीज़ें साफ दिख रही है कि स्नेहा इस चीज़ से थोड़ा सा हर्ट है। अब खुल के ये चीज़ें सामने आई थी कि ये जो लड़की है इसका नाम वैशाली है। नाम कब पता चला? पहले तो पारस ने कहा था कि हमारी जो है लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है और ये है वो है। लेकिन उसके बाद में पारस जो है, जब एंगेजमेंट थी उस वक्त में एक नाम पीछे फ्लैश हो रहा था पारस और एक लड़की का, जिसका नाम था वैशाली। लोगों को पता चल गया भाई ये वैशाली है। तो लोगों को जब वो वैशाली नाम सामने आया तो यही चीज़ गई कि क्या ये वैशाली वही है जिसकी वजह से स्नेहा और पारस का तलाक हुआ था। पूरी खबरें वहाँ फैल गई। इतना ही नहीं, जो स्नेहा थी उनके इंस्टाग्राम पर भी लोग यही कह रहे थे कि ये वही वैशाली है जिसकी वजह से पारस ने स्नेहा के साथ चीट किया है। ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये वैशाली जो जिसके साथ में चीट किया था पारस ने अपनी स्नेहा को, वो वैशाली वो थी जो इनके साथ में एक जो है सॉन्ग में भी आई थी, वो वैशाली थी, बट उसका कोई फेस नहीं था। अब वो वही वैशाली थी या कोई और थी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन यही चीज़ें आ रही थी कि ये वैशाली वही थी जिसके साथ पारस का सॉन्ग आया था एक। अब यहाँ पर चीज़ें खत्म नहीं हुई, यहाँ होती है चीज़ें शुरू, झूठ बोलना पब्लिक से। एंगेजमेंट खत्म हुई, लोगों के जो पारस है उन्होंने अपनी वाइफ के, होने वाली वाइफ के मुंह पर मास्क लगवाया हुआ था जिससे उनका फेस रिवील नहीं हुआ। पारस ने पहले बोला था फेस रिवील हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। इस पर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पारस की ना तो फैमिली दिख रही थी वहाँ पर, पारस की फैमिली दिख रही थी लेकिन पारस की जो फियांसे है उनकी फैमिली वहाँ नहीं दिख रही थी। तो लोगों ने सवाल किया तो पारस ने जवाब दिया कि वो लोग कुछ जो है कैमरे पर शाये हैं, कम्फर्टेबल नहीं है, इसलिए उनको नहीं दिखा रहे हैं। पॉइंट पहला। दूसरी चीज़ ये है कि फिर पारस ने वीडियो डाली जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए थे,
वहाँ पर भी परस ने काफ़ी सारे झूठ बोले। पहला तो कि मेरी जो होने वाली वाइफ है वो इंजीनियर है और उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। दूसरी जो बोला है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव ही नहीं है। इस पर भी मैंने कहा था कि क्या कोई ऐसा हो सकता है जो इंजीनियरिंग कर रही हो लड़की और वो सोशल मीडिया पर एक्टिव ना हो। ये पारस ने बोला कि सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, तो पारस को फेस छिपाने की क्या ज़रूरत पड़ रही थी जब वो नोन लड़की नहीं थी, पहले तो सवाल ये था। फिर बोला था कि मेरे जो सास ससुर है वो शाये है, ऐसा नहीं है, उनके सास ससुर ऑलरेडी कैमरा फेस कर चुके हैं, वो भी मैं बताऊँगी कैसे। और ये बोला था कि जो वो लड़की है वो उसका जो नाम है वो टी से शुरू हो रहा है, ये भी पारस ने झूठ बोला था। उस लड़की का नाम वैशाली ही है। अब उस लड़की के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आपको याद होगा पारस ने करवा चौथ का एक वीडियो डाला था जिसमें कि एक घर दिखाया था, अपनी होने वाली वाइफ का घर जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। आपको बता दें कि बांदा उत्तर प्रदेश की बताई जा रही हैं। इतना ही नहीं, ये एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, जो पारस बोल रहे थे कि नहीं वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो खुद एक इन्फ्लुएंसर है लड़की, जो कि इंस्टाग्राम पर पहले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, वीडियोस बनाती थी, अपनी रील्स बनाती थी और फैमिली की भी उसमें वीडियोस, उनकी वीडियोस में थी। यानी कि सब बातें यहाँ झूठ बोली गई थी। सिर्फ लड़की का फेस इसलिए छिपाया जा रहा था जिससे कि लोग इनकी डिटेल ना निकाल लें, और पारस को ये इस चीज़ के नाम पर व्यूज़ मिलते रहे, क्योंकि पारस ने कहा कि शादी वाले दिन ही अलग तरीके से फेस रिवील करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मुझे उसकी फ़ोटो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, आई थिंक अभी नहीं लगानी चाहिए, तो इस वजह से मैं फ़ोटो नहीं लगा रही हूँ। लेकिन मैं आपको डिटेल बता सकती हूँ कि आपको कहाँ से वो फ़ोटो मिल जाएगी। पहले उनका इंस्टाग्राम हैंडल था जिसको अब शायद पारस ने ही हाइड करवा दिया, क्योंकि लोगों को पता चल गया था, लोगों को ये चीज़ें पता चल गई थी कि ये सेम लड़की है, इस वजह से शायद पारस ने वो डिलीट करवा दिया या हाइड करवा दिया, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो बाद में भी इस चीज़ को कर सकती है, बाद में भी इन चीज़ों को डाल सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो ये चीज़ें यहाँ पे सामने आई है। यानी कि ये व्लॉगर जो फैमिली फैमिली बोलते हैं, फैमिली बोलने के नाम पे कितना ज़्यादा काट रहे हैं लोगों का, कितना ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ही मैं बोलती हूँ कि किसी पर विश्वास करो तो अंधा विश्वास मत करो, ठीक है, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो नहीं फेस दिखाना चाहते तो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जो चीज़ें सामने आ रही है वो तो आनी ही थी क्योंकि लोग सर्च करते हैं, बट क्या इस तरीके से पब्लिक को झूठ बोलना, और क्यों बोला जा रहा है ये झूठ, क्यों इतना ज़्यादा डर लग रहा है, आपकी तो पूरी लाइफ सोशल मीडिया पर खुली हुई रखी है, सबको पता है आप क्या चीज़ हो, तो आपको किस चीज़ का डर है? नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है। समझ में नहीं आता एक शादी में इतना रिस्क लेने के बाद में, एक शादी टूटने के बाद में दूसरी शादी को खेल बनाकर रख दिया और उसमें कंटेंट के नाम पर कुछ भी किया जा रहा है, कब अकल आएगी इन इन्फ्लुएंसर को, ये बातें मुझे समझ में नहीं आती। और उनको इन्फ्लुएंसर क्या कहना चाहिए भी या नहीं भी कहना चाहिए, ये चीज़ भी आप बताना। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।